अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बीजेपी देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी देश के तमाम राज्यों में अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकालेगी, साथ ही प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अटल जी के अस्थि कलश को आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को सौंपेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के पुराने दफ्तर 11 अशोका रोड पर होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी बृजेश पांडे भी जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधे वहां से। बृजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी और साथ ही साथ अमित शाह कब तक वहां पर पहुंचेंगे, अभी इस वक्त की क्या तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंच चुका है? लगभग काफी बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:30 बजे बीजेपी के पुराने मुख्यालय 11 अशोका रोड पहुंचेंगे। इस मुख्यालय को इसलिए चुना गया आज के प्रोग्राम के लिए क्योंकि यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर थे बतौर अध्यक्ष और उसके बाद ही वो यहां से प्रधानमंत्री बने। जो जिस तरह का प्रोग्राम हमें बताया जा रहा है उसके अनुसार जितने भी स्टेट चीफ हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश देंगे और उसके बाद हर राज्य अपने जगह करीब 12 स्थानों पर उस अस्थि कलश को लेके जाएगा। एक बाकायदा प्रॉपर रोड शो होगा, उसके बाद मोक्ष वाहिनी नदी में इसके अस्थि कलश को समर्पित किया जाएगा। तो ये साफ है कि बीजेपी अगले एक महीने के करीब हम इस तरह के प्रोग्रामों को भिन्न भिन्न राज्यों में लोकल बीजेपी यूनिट के द्वारा देखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगी बृजेश आपसे, क्योंकि अभी तक 16 अगस्त से लेकर अभी तक हमने देखा है कि अमित शाह जी न सिर्फ आयोजनों की पूरी मॉनिटरिंग और सुपरविजन कर रहे हैं, बड़ी पैनी नजर है उनकी इस तरह के पूरे कार्यक्रम जो होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या वो वहां पर पहुंच गए हैं और अंदर की क्या तस्वीरें हैं, अगर वो बयां कर पाए आप? अंदर इस वक्त करीब बाकी राज्यों के काफी मंत्री और काफी बड़े पदाधिकारी सारे पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंच गए हैं और इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है उसके अनुसार अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है और जो अगले 10 मिनट के करीब के अंदर आने की सूचना है। एक बार प्रधानमंत्री यहां पहुंच जाए तो उसके बाद सभी राज्यों के भाजपा अध्यक्षों को अस्थि कलश दिए जाएंगे और साथ ही वो यहां पे सेंट्रल लीडरशिप को बताएंगे कि किन राज्यों किन 12 जगहों पर वो उस अस्थि कलश को लेके जाएंगे, किस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम की अस्थि कलश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी, किस प्रकार उन हर राज्यों में एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा जिससे अटल बिहारी वाजपेयी के मैसेज को अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिलक्षित किया जा सके। जैसा आपने देखा होगा कि लास्ट राइट्स के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की के फैमिली के अलावा इस बार बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष तमाम बड़े नेता हरिद्वार पहुंचे थे। एक बड़ा रोड शो किया गया था तो लगभग उसी तरह की वानगी हमको सारे राज्यों में देखने को मिलेगी। ठीक है बृजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ पर हेडलाइंस देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर एक बारी नजर दौड़ा लेते हैं और उसके बाद फिर से हमारी इस जद भूतं जच्चाहाव्यं वा भूतामृतत्वशियेशानो जादन्येनातिरोहाति एतावानस्यामाहि विश्वा भूता नित्रे पादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्वा उदये पुरुखाः पादस्येह भावत पुनः तातो विखवं नाशाने आभि ततो वीराजो आधिपुरुखाः सजातो अत्
तापश्चाद् भूमि माधव पुराः तस्माद्यदियात् सर्वाहूताः सम्भृतम् प्रेखादाज्यम् मा तो तस्वीरों में देखिए यहाँ पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं अटल जी के, और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण के बीच में आप तस्वीरों में देखिए वो कलश भी नजर आ रहे हैं जो एक एक करके प्रदेशाध्यक्षों को सौंपे जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो इस वक्त अंदर वेन्यू के मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें हमारे लिए बयां करें। अटल जी ने कहा था अंधकार के कष्ट होंगे अपने मार्ग पर अविचल, हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष। हेलो जी संजय, मैं कह रही हूँ कि अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप तस्वीरें बयां कीजिए कि कौन से प्रदेशाध्यक्ष मौजूद हैं जो एक एक करके 80 कलश लेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। देखिए आज के दिन लगभग सभी प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्षों को बुलाया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें। आज यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के फिर सारे प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन दूर दराज के कारण नहीं आ पाए। प्रदेशों के दूसरे नेता यहाँ पर मौजूद है, लगभग सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसको की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके उत्पाद माफ कीजिएगा संजय, आपके पास फिर से लौटेंगे। गुजारिश करेंगे आपसे कि आप अपना फोन दुरुस्त कराएं, कुछ ऑडियो में आपसे कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आप 11 अशोका रोड की देख रहे हैं, बीजेपी का पुराना मुख्यालय है जहां पर खास तौर से भावभीनी श्रद्धांजलि देने का आयोजन किया गया है अटल जी को, और साथ ही साथ जो देश के तमाम राज्य हैं वहां पर एक एक करके देखिए अब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देश के प्रदेशाध्यक्षों को एक एक करके अस्थि कलश सौंपेंगे, जिसके बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। राजधानी से लेकर ब्लॉक लेवल तक ये यात्राएं निकाली जाएंगी और उसके बाद जो पवित्र नदियां हैं राज्यों की वहां पर इन्हें प्रवाहित किया जाएगा, विसर्जित किया जाएगा। हमारे साथ दो बड़े पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, हमारे साथ अरविंद मोहन जी और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुज गुप्ता जी, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप अगर इसको बयां करें हमारे दर्शकों के लिए कि एक एक करके अस्थि कलश खुद प्रधानमंत्री वहां पर हैं और सौंप रहे हैं प्रदेशाध्यक्षों को कि अटल जी की लेगेसी को वो लेकर जाएं अपने राज्य में और उसे आगे बढ़ाएं। देखिए येदियुरप्पा ने हमने देखा कि किस तरह से अस्थि कलश लिया। माफ करिएगा मगर मेरे मन में ये भाव आ रहा है जैसे कोई पुरस्कार दिया जा रहा है, लोग लेकर के जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए अस्थि कलश लेकर के अपने राज्यों में जाएंगे और वहां जो यात्राएं होंगी उससे आम जनता को, अपने कैडर को तो रिजनुएट करेंगे ही, आम जनता को भी उससे जोड़ेंगे, और यदि वोट भाजपा के पक्ष में बढ़ जाते हैं तो वो फिर उनका इनाम होगा। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और यहां पर एक नजर एक बार फिर से इस वक्त की सुर्खियों पर ले लेते हैं। इस बड़े आयोजन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवीएफ। अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं 11 अशोका रोड पुराने बीजेपी के मुख्यालय से जहां पर इस वक्त अस्थि कलश सौंपे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए अटल जी की पुत्री नमिता नजर आ रही हैं जिन्होंने उनको मुखाग्नि भी दी और उसके बाद अस्थि विसर्जन हरिद्वार में किया। और अस्थियों को फूल कहा जाता है, हिंदू रीति रिवाज में मान्यताओं में फूल कहा जाता है। ये मंत्रोच्चारण चल रहा है और आप देखिए आसपास आला नेता और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बड़े नेता मौजूद हैं। सुषमा स्वराज मंच पर नजर आ रही हैं और साथ ही साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु ओम। धन्यवाद। हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, मंचासीन नेता पहले प्रस्थान करेंगे और बाद में हम अपना स्थान छोड़ेंगे। ये तीसरी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, यहाँ पर एक एक करके अस्थि कलश सौंपे गए प्रदेशाध्यक्षों को और आला नेताओं को, और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब अस्थि कलश सौंपे जा रहे थे। मंत्रोच्चारण के बीच अटल जी का परिवार मौजूद था और अटल जी के संदेश को देश भर में ले जाने और फैलाने के साथ ही ये अस्थि कलश प्रदेशाध्यक्षों को सौंपे गए हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी है।